कुछ कैंडिडेट अभी भी ये पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या है या बुक्स कौन सी रीड करनी है, स्टडी मटेरियल कहां से लेना है। तो सिलेबस रिपीट कर रहा हूं ये कि 5 पार्ट्स हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट के पंजाब में जो हो रहा है। जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स होंगे, 30 ही एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। टीचिंग पोटेंशियल के भी 30 मार्क्स, 30 ही एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तीसरा क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा, ये भी 30 मार्क्स, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। और दो लैंग्वेजेस आपने चूज करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है, ये सभी के लिए 30 मार्क्स, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। और जिन्होंने पंजाबी मैट्रिक तक पढ़ी है वो पंजाबी की तैयारी करेंगे, पंजाबी के उनको 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। और जिन्होंने पंजाबी मैट्रिकुलेशन तक नहीं पढ़ी वो हिंदी की तैयारी करेंगे, वो भी 30 मार्क्स एंड 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सिलेबस क्या रहेगा इसका, कोर्स कंटेंट ये प्रोस्पेक्टस में जो दिया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की तरफ से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं। हाँ ये रहा, देखिए 10 एरियाज दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब 30 क्वेश्चन है। एजुकेशन में से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, हर में से 3 साइंस, 3 क्वेश्चन सोशल साइंस, 3 क्वेश्चन, लेकिन डोमिनेट एजुकेशन करती है क्योंकि आपके एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपने एडमिशन लेनी है। लैंग्वेज में 3 क्वेश्चन जनरली इसमें से कम आते हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में से ही 3 क्वेश्चन हो जाते हैं ये, इसके बजाय ये एजुकेशन में से ज्यादा आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से भी कम आते हैं। स्पोर्ट्स में से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। करंट इवेंट्स पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक्स, इसमें से 3 से प्लस क्वेश्चन बन जाते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 3 से प्लस क्वेश्चन बन जाते हैं। डोमिनेट क्या करता है, एजुकेशन, एजुकेशन यहां भी है, पॉलिसी भी है। अच्छा, हूज हू में भी जनरली एजुकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, इट मींस डोमिनेट एजुकेशन ही करती है, लेकिन बाकी एरियाज भी आप देखिए कि वीक एरिया आपका कौन सा है उस पर फोकस कर लीजिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी एक्सरसाइज के लिए कोई मटेरियल कहीं से चाहिए तो आप काइंडली कहिए कि इस पर आपको एक्सरसाइज के लिए मटेरियल चाहिए या रीडिंग मटेरियल चाहिए, मैं कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि सारा मटेरियल एकदम से प्रोवाइड करना अभी डिफिकल्ट लग रहा है। नॉर्मली जो मैंने पिछले पेपर डिस्कस किए हैं, ये जो फर्स्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस का, इसमें साथ साथ में जो रिलेटेड एंड करंट इश्यूज हैं या रिलेटेड नॉलेज है वो डिस्कस की हुई है, काइंडली वो आप पेपर एक बार देख लीजिए, वो आपको मैक्सिमम गाइड करेंगे। और कई बार तो पेपर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, आइडिया तो रिपीट हो ही सकते हैं। दूसरा पेपर है सिलेबस इसका टीचिंग पोटेंशियल का, 30 क्वेश्चन है। नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इंडिकेटिंग फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। ये इसमें से ऑडियो विजुअल एड में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 से प्लस हो जाते हैं। वैल्यूज एनरिच्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 से कम रहते हैं इसमें क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस नेशनल लेवल ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल एजेंडा, ये कम से कम 5 से प्लस हो जाते हैं इसके क्वेश्चन, 4, 5, 6। एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग पर्सनल करेक्टरिस्टिक, टीचर्स पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स एंड एडजस्टमेंट, इसमें से लगभग 5 के करीब क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लासरूम प्रॉब्लम, लेकिन लगभग 4-5 के करीब इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद कैंडिडेट कोलीग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। 2 एग्जामिनेशन इवेल्युएशन असेसमेंट, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, 3, 4, 5 के करीब। लाइब्रेरी यूसेज, 2 के करीब क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो ये रहा। अच्छा, इसके लिए कोई आपको सीधा मटेरियल नहीं मिलेगा, जो बुक्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है ना उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, और वो यहां पर आपको मटेरियल आप रीडिंग वाला जो मांगते हो वो इसके कंटेंट का है, वो काफी डिटेल में है। आपको इसके बेसिक प्रिंसिपल समझने होंगे कि किस प्रिंसिपल पर जो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, और लिटिल नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए वो फिर वीडियो आप कंसल्ट कर सकते हो। जब आप लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह चैनल पर एंटर करते हो तो वहां पर ऑप्शन प्लेलिस्ट में जाओगे, आप प्लेलिस्ट में जाके बीएड एंट्रेंस टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर, ये प्लेलिस्ट में 18 वीडियोस पड़े हैं, ये डिफरेंट 5 के 5 पेपर्स जो हैं आपके उस पर वीडियो है, प्रीवियस ईयर के ही पेपर हैं, तो वो वहां पर डिटेल में, और इस जो क्वेश्चन आए हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन जो आ सकती है वो भी डिस्कस की गई है।
दैट इज वाई सफिशियंट इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिल सकती है जितने दिन आपके पास हैं। दूसरा फोल्डर है प्लेलिस्ट में ही बीएड एडमिशन 2022, इसमें वो जानकारी है कि आपको जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर आना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब कार्ड आने हैं, एडमिट कार्ड आने हैं, तो ये सब कुछ इसमें शामिल होगा। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो डालूंगा जिसमें आपने तैयारी पेपर करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, गैस वर्क कैसे लगा सकते हो जब आपको आंसर नहीं पता, मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम कैसे स्कोर ले जा सकते हो, अगर मॉक टेस्ट चाहते हो मॉक टेस्ट भी, इन दोनों फोल्डर्स को आप एक बार अच्छी तरह से सर्च कर लीजिए, रीड कर लीजिए, वॉच कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है स्कूल एंड सोसाइटी, टीचिंग पोटेंशियल का ही पार्ट था, और सी पेपर है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसके लिए बुक की जरूरत नहीं है, आपको मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। ये भी 10 पार्ट्स है, नंबर सीजे 3-3 = 3-3 marks ही के ही क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो इसके लिए बेस्ट आपके लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है ना वो सॉल्व करने हैं, जो अभी बात आपको बता के आया हूं। उनके साथ अगर आपको चाहिए आप एक कमेंट बॉक्स में लिख दे मुझे सुजेशन के इस पर आप मुझे नंबर सीरीज पर, क्लासिफिकेशन पर, एनालॉजीज पर, सिनोनिम्स ओपोजिट्स पर, कोर्स दी को किसी भी पार्ट पर आपको एक्सरसाइज के लिए मटेरियल चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज के लिए वो डाल दूंगा, अगर उसके बाद सॉल्व चाहिए वो डाल दूंगा। जैसे अभी वो डाल रहा हूं टीचिंग पोटेंशियल के डिसिप्लिन के क्लासरूम प्रॉब्लम पर क्वेश्चन डाल रहा हूं, जिससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी साथ में बाद में आंसर भी मिल जाएंगे। अगर आपको वो ये ढंग जो अभी वीडियो डालूंगा अच्छा लगे तो आप आगे सजेस्ट कर दीजिए। ठीक, ये आपका मेंटल एक्सरसाइज का है, रोज थोड़ा वक्त इसको देना ही पड़ेगा। लैंग्वेज बेशक वो इंग्लिश हो या पंजाबी या हिंदी, उसका डिवीजन लगभग बिल्कुल सेम है। पहला पार्ट ग्रामर का है, इडियम्स है, वोकैबुलरी है, करेक्शन एंड पंक्चुएशन है, रिटन कॉम्प्रिहेंशन है। पिछली डिवीजन से इस सिलेबस में फर्क है। इसमें जो पंजाब का कल्चरल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, वो डिलीट कर दिया गया है। ग्रामर सॉरी इडियम्स लगभग 4 क्वेश्चन आते थे, वोकैबुलरी के 4 क्वेश्चन आते थे, करेक्शन पंक्चुएशन के 4 क्वेश्चन आते थे, करेक्शन के 1-2-3 क्वेश्चन आते थे, ओके, रिटन कॉम्प्रीहेंशन के 4-5 क्वेश्चन आते थे, और बाकी ग्रामर और दूसरे पार्ट के बाकी क्वेश्चन लगा लीजिए आप 10 क्वेश्चन हो गए। लेकिन ये डिवीजन अब क्या हो सकती है कि बदल के जो रिटन कॉम्प्रीहेंशन है वो 2 पैरा, एक पैरा पहले आता है 2 पैरे आ सकते हैं, अगर एक पैरा आता है तो 3-4-5 इतने क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली डोमिनेट क्या कर रही है, सबसे ज्यादा डोमिनेट इडियम्स वोकैबुलरी सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है, क्योंकि वोकैबुलरी पे करती है आपको ग्रामर में, पंक्चुएशन में, करेक्शन में, इडियम में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में वोकैबुलरी। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा अपनी वोकैबुलरी के लिए मैक्सिमम आप एक्सरसाइज कीजिए, खास करके अगर आपकी इंग्लिश प्राइमरी या फिर अभी वीक फील करते हो आप इंग्लिश में। तो मैंने जो वीडियो भी निकाला है इंग्लिश का और भी वीडियो निकाल रहा हूं, उसमें इंग्लिश के साथ जो भी वर्ड आ रहा है उसके सिनोनिमस या ऑपोजिट वर्ड है, रिलेटेड वर्ड है, उनकी हर एक की लिस्ट दी गई है, आप उन पर भी फोकस करके उनको लर्न कर सकते हो, इजी हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसके लिए बेस्ट क्या है, आप बुक्स जो मांग रहे हो 9th और 10th की बुक्स, ठीक, 8th की शामिल कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरी स्टडी की है ये बुक्स, जो जो भी इनमें से जैसे एक्टिव पैसिव आपको आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है, तो वो मोस्टली 8th 9th में से, 10th में कम पार्ट होता है, 8th 9th में से 7th में भी कम होता है, 9th आपके लिए बेस्ट क्लास रहेगी। इस क्लास का अगर आपने एक ही बुक देखनी है तो आप 9th की अच्छी ग्रामर की बुक को रीड कर लीजिए, किसके लिए, इंग्लिश के लिए भी, पंजाबी के लिए भी, हिंदी के लिए भी। तो ये मटेरियल सबके घर के पास है,
किसी से भी बुक खरीद सकते हो, रेंट पर ले सकते हो, लेकिन वही बुक पढ़िए जो अच्छी बुक है, रिकमेंडेड बुक है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो। इडियम्स आपको बार बार रिपीट ही करने होंगे, क्योंकि उसकी जो शब्दावली होती है वो जनरली हमारे नोन नहीं होती। कई बार तो इडियम्स को कंप्लीट करना होता है जहां उसके मीनिंग पूछे जाते हैं। दोनों ही जब अगर कंप्लीट करने वाला पूछा जाता हो तो नेचुरली आपके पास अगर रीड नहीं किए तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। वोकैबुलरी में इजी से डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो ऑप्शन डाले जाते हैं कई बार वेरी सिमिलर से होते हैं। दैट इज वाई आपको सिनोनिमस की लिस्ट जरूर देखनी होगी और हर वर्ड की डेफिनेशन भी देखनी होगी। फ्रैक्शन एंड पंक्चुएशन की एक्सरसाइज के लिए भी आपके पास 8th 9th की बुक अच्छी है। रिटन कॉम्प्रीहेंशन के लिए पिछले जो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं उसको आप देख सकते हो, उनमें जो पैरा है, स्ट्रेटेजीज कौन सी फॉलो करनी है, क्योंकि कई बार बिना रीड किए भी आंसर मिल जाते हैं। वो स्ट्रेटेजीज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए ज्यादा आपको स्ट्रेटेजीज लर्न करने की जरूरत है, पैरा रीड या किसी बुक की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा कोई और डाउट आपका हो वो पूछ लेना। ये मैंने डिस्कस किया है सिलेबस, रिसोर्सेज एंड हाउ टू एंड वेयर टू, कहां से आपने प्रिपेयर करना है। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह। थैंक यू।